बड़ी पीछे झोर, बड़ी पीछे झोर, जय बार बड़ी लगा वही बार झोर। इससे बदतर स्थिति तो नीतीश कुमार का देन है जो खुशहाल मना के रखा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। अरे क्यों देगा MLC सीट उसको, क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया, तो उसका कैंडिडेट निकल जाए दल से, मंत्रीपन से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगी। उससे टूटना फूटना नहीं है। आप थोड़ा कुछ पहुँचे पहुँचे उतना पूछते रहिए बिहार का, हम थोड़ा लेता है विपक्ष का नेता रहते तब ना कुछ बोल दो। नहीं टूटेगा जी, बढ़िया से 5 साल तक सरकार चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया इनको दल से लड़ो, तो भाग के क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो MLC सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा MLC सीट उसको, क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया, बड़ी पीछे झोर, बड़ी पीछे झोर, जय बरबरी लगा वही बरझोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला सर हमारी चलते सरकार आपका है, सरकार नहीं, नहीं सरकार नहीं है। वो जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, तो उसका कैंडिडेट है ना, निकल जाए दल से, मंत्रीपन से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा। उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटे को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजे जाए तो नहीं मिलेगा, जो कदबा रहेगा वही दिया जाएगा, जितना बड़ा चादर रहेगा उतने बड़ा फैलाइए ना पैर भाई, ये सब नहीं। सरकार टूटने वाले, सरकार 5 साल तक जम कर चलेगी। सर विशेष राज के दर्जे के लेकर जदयू लगातार मांग कर रही है। राज की दर्जा जदयू आदर नीतीश कुमार ने आज से नहीं मांग कर रहा है, बहुत दिन से मांग कर रहा है और देना चाहिए। ये अति पिछड़ा कहने का मतलब गरीब है, अति पिछड़ा है, इस टाइप का है हमारा बिहार, निकम्मा है, कोई चीज़ बिहार में है नहीं। इससे बदतर स्थिति तो नीतीश कुमार का देन है जो खुशहाल मना के रखा है। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए विशेष राज का दर्जा। विशेष पैकेज की बात भाजपा को पैकेज मिल रहा, बजट आने वाला है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पैकेज तो बोले थे इतना देंगे, क्या दिया उतना हमको जानकारी नहीं। जी सर, कल बजट पेश आने वाला है केंद्रीय से, बजट पर हम नहीं कुछ बोलेंगे, इसलिए उस लायक हम आदमी ये नहीं है। अरे हमसे क्षेत्रीय बात पूछो ना, बजट लाएगा केंद्रीय मंत्री, क्या लाएगा हिंदुस्तान के अंदर, नहीं लाएगा तो उससे हमको क्या, बिहार की क्या अपेक्षा है? नहीं बिहार तो मांग करेगा भाई, हमको चाहिए फंड, पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए, ये तो बिहार मांगता ही है। जी सर यही बात है। तो लगातार अभी शराबबंदी में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब देसी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे, नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा, पीता काहे के लिए, मरने के लिए? तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना, इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर, लुक छिप के आ रहा है, खेत हो के आ रहा है, तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है, तो फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है, तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा जी। इसमें सरकार क्या करेगी? अब विपक्ष तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोग नौटंकी करते हैं, दारू बंद करना ढंडोरा पीट रहे हैं, दारू बंद है नहीं, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है सर। देखिए विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि दारू चला दीजिए, दारू चला देंगे नीतीश कुमार कहीं का रहेंगे? ये नहीं बंद होने वाला, जब तक नीतीश कुमार साथ चलता रहेगा तब तक दारू नहीं चलेगा। लुके छिपी तो गंजा भी चलता है, गंजा मनाही है जी, सोना लेके चलना मनाही है, हीरा लेके चलना मनाही, सब चीज़ मनाही, लेकिन सब चोरा लिखा चलता है, तो चोर तो चोरी चोरी टाइप कर ले जाएगा, तो दारू कितना चोरी टाइप का, सील बॉर्डर सील कर दिया, हम लोग भी पता करते हैं दारू कहाँ मिलता है नहीं मिलता है, नहीं इस इलाके में दारू बंद हो गया। दारू बंदी एक बहुत अच्छी पहल है। हाँ अच्छी पहल है, और सुन लीजिए डी माल लोकल में तैयार करता है, क्या क्या पानी में मिला के देता है, हम लोग सुनते हैं जी जी। देता है उसी में तो आदमी मरता है, वही पी रहा है, ऐसा हूँ नहीं मरेगा आदमी, बीमार होकर उम्र भी करेगा। अपने क्षेत्र में इस तरह का सूचना है, अपने एरिया में विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का घटना या डी माल भाई बना? हमारे पुलिस प्रशासन लोग पकड़ते हैं, पकड़ के लाते हैं, जेल भेजते हैं, पकड़ ही रहे हैं, लगे हुए सब अफसर, सभी अफसर लगे हुए हैं। आजकल बांका में और कई कई जगह पुलिस पे ही हमला होता जाता है, दारू पकड़ने जाता है या कुछ भी पकड़ने जाता है, पब्लिक लोग पुलिस पे हमला करता है। पब्लिक लोग पुलिस पर हल्ला, जब पुलिस हमला कर देगी पब्लिक पर तब कहाँ जाएगा पब्लिक? अरे आप 100 आदमी के संख्या में हल्ला किए, इधर से 500 आदमी जाएगा, टिक पाएगा?
लाठी पाटी जाएगा। वही गलत आदमी ऐसा करता है, विरोधी लोग ऐसा करता है। नीतीश कुमार के समय काल में पुलिस पर हमला होती है, ये होती है, वो जो भी कहीं पर धरना प्रदर्शन में भगदड़ मचाता है तो एक दो आदमी भगदड़ मचाने वाला होता है।